Welcome to Spice Up with Madhvi. It's hot. वेलकम टू स्पाइस ऑफ विद माधवी फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर मंचूरियन। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक कप फाइनली चॉप्ड अनियन लिया है और उसके साथ फाइनली चॉप्ड गार्लिक है, सोया सॉस है और यहाँ मैंने फाइनली चॉप कुछ रेड और येलो कैप्सिकम लिए हैं और स्प्रिंग अनियंस हैं लगभग 1 टेबलस्पून। यहाँ मैंने ये चिली फ्लेक्स लिए हैं थोड़े से और नमक स्वाद अनुसार। इधर मैंने थोड़ा सा जिंजर जो है इसको ग्रेट कर लिया है और ग्रीन चिलीज हैं, ये भी मैंने छोटी छोटी बारीक काट ली हैं और थोड़ा सा टोमेटो सॉस। तो उसके साथ में और हमें क्या चाहिए, हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पनीर। तो अब इस पनीर का हमें क्या करना है, इसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये लगभग 200 ग्राम के करीब में पनीर है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये हमने डाला इसमें कॉर्नफ्लावर और ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैदा। इसको पहले हम ड्राई मिक्स कर देते हैं और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमने इसको मिक्स किया है और इसमें हम थोड़ा सा जो ये जिंजर पाउडर है, जिंजर जो हमने थोड़ा सा रखा था ग्रेट करके, ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा इस फिर हम गार्लिक भी डाल देते हैं और चिली फ्लेक्स डालेंगे हम यहाँ पर। चिली फ्लेक्स डालना है, मिर्ची नहीं डाल रहे, इसका क्रंची टेस्ट आता है तो बहुत बढ़िया लगते हैं। और नमक इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं और अब हम इसका एक पेस्ट जो है बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसमें डालना है। यप, बिल्कुल देखिए मिक्स हो चुका है और अब हम इसकी डबल उसमें थोड़ा सा हम ड्राई इसको रखेंगे। उससे क्या होता है कि ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा क्रंची रखने के लिए यहाँ इसे हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसको हमने यहाँ प्लेट में निकाल लिया है क्योंकि इस पर जो हमारा मिक्सचर था वो अच्छे से लग चुका है। और इसको हम फ्रेंड्स 2 बार फ्राई करेंगे। एक बार फ्राई करने में वो क्रंचीनेस नहीं आती है, तो एक बार हम इसको हल्का सा फ्राई करते हैं उसके बाद में फिर उसको अच्छे से ब्राउन होने तक। तो अभी ये देखो मैंने प्लेट में निकाल करके रखा है, तो इसमें थोड़ा सा ये मैंने मैदा निकाला और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और इसको भात से ही हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल हमें ये ड्राई ड्राई, जितना हम ड्राई रखेंगे ये उतना ही क्रंची बनेगा। तो चलिए ये फ्राई करने के लिए तैयार है, इसे हम फ्राई करते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। ये हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा बटर डालकर देखा तो ये देखिए गर्म हो गया। तो अब हम धीरे धीरे इसमें ये जो पनीर के टुकड़े थे ये हम इसमें डाल देंगे। अब
और जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें दो बार फ्राई करना है। इनको धीरे धीरे फिर हम पलटते जाएंगे। सिर्फ एक ही बार भी फ्राई करते हैं लेकिन हम दो बार फ्राई करेंगे क्योंकि मंचूरियन जब तक क्रंची नहीं होता, कोई भी हो जाए, आप गोभी मंचूरियन बना रहे हैं, वेजिटेबल मंचूरियन बना रहे हैं या फिर पनीर मंचूरियन बना रहे हैं, तो थोड़ी सी वो क्रंचीनेस उसमें रहनी चाहिए, तो इसलिए दो बार फ्राई करने से ये अच्छा हो जाता है। फ्राई हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और जो बचे हुए थे अब हम उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बचे हुए पनीर के टुकड़े, इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए ये जो हमारा पनीर था ये भी अब दूसरा लॉट भी फ्राई हो गया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सब प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसे खूब तेज गर्म कर लेना है हमें, और उस तेज गर्म में इन्हें दोबारा से हम पनीर को फ्राई करेंगे। ये आंच बहुत तेज हो गई है और इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। तेल हमारा अब काफी गर्म हो चुका है, इसमें अब हम जो एक बार हम फ्राई कर चुके हैं पनीर के पीसेस को, उन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे और तेज आंच पर हम इन्हें फटाफट डाल करके और निकाल लेंगे। देखिए तेल हमारा काफी गर्म है और इसे हम बस झटपट से ब्राउन होने पर थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे। पनीर के जो पीसेस थे ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और अब हम गैस को बंद करके और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैन हमने गर्म कर लिया है और अब इस गर्म पैन में हम लोग अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो हम डालेंगे और अब इसकी कुकिंग की तैयारी करते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले ये जिंजर जो हमने लिया था, वो गार्लिक, इसके साथ ही यहाँ पर डालूंगी ग्रेटेड जिंजर और अब हम इन्हें अच्छे से भूलेंगे। इसमें आप देखे होंगे कि थोड़ा ऑयल में बबल्स हैं क्योंकि ये मैंने वही ऑयल में यूज कर रही थी जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था, तो इसलिए ये थोड़ी देर में ये सेटल हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया है, तो अब इसमें हल्के ब्राउन होने लगे हैं और अब हम इसमें जो अनियन थी वो अनियन डाल करके फ्राई करेंगे।
तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज थे वो भी अच्छे से भुन चुके हैं। और मैंने देखी अभी तक इसमें जो कैप्सिकम चॉप्स रखी हुई थी अभी तक नहीं डाली है, क्योंकि वो बाद में थोड़ा सा उनका जब क्रंची टेस्ट आता है तो तभी बढ़िया लगती हैं, तो इसलिए उनको हम सबसे आखिर के में डालते हैं। तो अभी ये मैं इसमें डाल रही हूँ ये चॉप्ड हमारी जो स्प्रिंग अनियंस थी, और इसके साथ ही ये जो कैप्सिकम हमने लिया था। और साथ में ग्रीन चिली है इसमें, वो बहुत सारे क्योंकि मुझे चिली बहुत पसंद है। और इसको अब हम ये हमारा लगभग बनने को तैयार है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिली पाउडर, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। आपके स्वाद पर ऐसा लगता है, किसी को रेड चिलीज अच्छी लगती हैं, थोड़ा उसमें अगर ब्लैक पेपर का टेस्ट हो तो वो फ्लेवर भी अच्छा आता है। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक हमें ज़रा ध्यान से डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी हम सोया सॉस डालेंगे और उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो फिर कई बार बहुत कड़वा हो जाता है, तो इसलिए ये ध्यान से हमें डालना होगा। और अब हम यहाँ साथ में डाल देंगे जो टमाटो केचप, आपको चिली वाला टमाटो केचप चाहिए, ग्रीन टमाटो केचप चाहिए तो आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने चिली वाला लिया है। तो ये बहुत बढ़िया से हमारा भी भून चुका है, यानी हम आंच को थोड़ा सा धीमी कर देते हैं। और इसमें डालते हैं हम ये सोया सॉस, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पर अभी हम कॉर्नफ्लावर भी मिक्स करके इसमें डालेंगे, जिससे कि ग्रेवी हमारी जो है थोड़ी थिक हो जाए, लेकिन उसमें भी आप पर डिपेंड करता है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए, आपको कम ग्रेवी चाहिए, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा ड्राई अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ग्रेवी वाला, अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं तो थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। टाइम आ गया है हम थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लावर है उसमें पानी डाल करके, और यहाँ पर इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। क्योंकि अभी ये हमारी ग्रेवी कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में थोड़ी सी और थिक होगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी और डाल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। और अब हमें देखना, जैसे इसमें उबाल आने लगता है तो ये गरम गरम में हमें धीरे धीरे करके डालना होता है कॉर्नफ्लावर, नहीं तो ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और फिर मिक्स नहीं हो पाता ठीक से। तो अभी जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हम धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लावर को डालते जाएंगे और चम्मच की सहायता से इसको चलाते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें अब उबाल अच्छे से आ गया है, और अब हम धीरे धीरे इसमें ये जो कॉर्नफ्लावर हमने घोल करके रखा है इसे हम धीरे धीरे इसे डालते जाएंगे और इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। ये देखिए डालते के साथ ही हमारी ग्रेवी कैसे थिक हो गई है।
आटा और अब हम जो हमारे पनीर के टुकड़े थे वो साथ में इसके डाल देंगे। ये हमारा हमारा पनीर मंचूरियन तैयार है। से गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, नूडल्स के साथ, किसी के साथ भी खाएं। तो चलिए गर्मा गर्म हमारे पनीर मंचूरियन और चावल तैयार है। बढ़िया लग रहे हैं और बहुत अच्छे किस्म से खुशबू आ रही है और मैं तो इसको चख करके ज़रूर देखूंगी कि कैसा है ये। और आहा देखिए कितना बढ़िया, ओ वाह, मैं खा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बना है, मसाले बिल्कुल बढ़िया जैसे मुझे चाहिए थे। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बनाइएगा बताइएगा कि आपसे कैसी बन पाई। कुछ आपको टिप्स चाहिए आप पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरी नेक्स्ट रेसिपी आएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।